आपके कार्यकाल में न्यूज़ 18 दूसरी बार आपसे इंटरव्यू कर रहा है। हमारे 20 चैनल के माध्यम से आप हमारे करीब 70 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे कुछ अगले महीनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज का पहला सवाल, आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस मैनिफेस्टो में क्या अहम बातें देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो एक जिम्मेवार दल और एक प्रकार से गंभीरतापूर्वक जिसको आगे भी सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिलने वाली है, पक्का है, उसका जितना मैच्योर मैनिफेस्टो होना चाहिए उतना ये मैच्योर मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में पहली बार हमने यानी 2022 और 2024 इसको हमने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। इसका मतलब कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद नहीं, बीच में भी एक बार होगी, ये अपने आप में पहले कोई करता नहीं था। और हमने आज़ादी के 75 साल, 75 कदम और पूर्णता के लक्ष्य वाले तय किए हैं। दूसरा, हमने कहा है कि 5 साल देश का वो फाउंडेशन तैयार करेंगे जो आज़ादी के 100 साल होंगे तब देश को कहाँ पहुँचाना है। फिर कालाधन हो, भ्रष्टाचार हो, देश में बेईमानी हो, इन सारे विषयों को कैसे हैंडल करना, इसकी चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सभी मसलों पर हमने, और वो एक मुद्दा ऐसा है कि जहाँ हमारे पहले जितने मैनिफेस्टो आए उन्होंने देश के साथ घोर अन्याय किया है, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, उनके कल्याण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हो, महिलाएं हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, उनके तरफ कैसे ध्यान दिया जाए, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, और देश को आधुनिकता की तरफ भी ले जाना है। देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो रहेगा वो विकास के अनुकूल कैसे हो, सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल कैसे हो। और 2014 से 2019 हमने जो काम किया वो एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबे हुए देश को बाहर लाना, नए आत्मविश्वास को पैदा करना और सामान्य मानवीय की जो आवश्यकताएं हैं उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया। घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, उस पर ध्यान आकर्षित किया। आने वाले 5 वर्ष, बीते 5 वर्ष आवश्यकता की पूर्ति के थे तो आने वाले 5 वर्ष सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को ताकत देने के हैं, उन आकांक्षाओं के लिए अवसर देने के लिए है। तो अगर आप ये घोषणा पत्र को देखें तो ये और पार्टियों के घोषणा पत्रों से कैसे अलग है, खास करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से? पहले तो नाम से ही फर्क है, उनका घोषणा है, हमारा संकल्प है, हमने संकल्प पत्र कहा है। मैं चाहूंगा कि देश के विद्वत जन दोनों, हमारे संकल्प पत्र और कांग्रेस की घोषणा दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करें। दूसरा, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारे घोषणा पत्र को देखा जाए। तीसरा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनका घोषणा पत्र देखा जाए। कई बातें ऐसी हैं कि जिसमें आसमान जमीन का अंतर है। आज आतंकवाद को ख़त्म करने की एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं, तब आतंकवादियों को हर प्रकार से दबाव पैदा करना, डिमोरलाइज करना, साइकोलॉजिकल वॉर भी जीतना, उसके बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से ऐसा मैसेज निकल रहा है जैसे आतंकवादियों के प्रति नरमी बरती जाएगी, सिंपथी रखी जाएगी। जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के संबंध में जो कुछ भी कहा गया वो वैसा ही कहा गया है जो कभी न कभी पाकिस्तान बोलता रहा है। कोई भी देशभक्त नागरिक इस भाषा को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने एक बात कही आप सबको हटाने की,
अब आपसा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्य करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं, जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत के सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है, बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो आप आपसपा को कैसे देखते हैं, क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आपसपा की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया, 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना, मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मोदी जी, 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद मुझे याद है 25 फरवरी को आप हमारे राइजिंग इंडिया समिट में चीफ गेस्ट बनकर भी आए, आपने हम लोग कुछ आभास भी नहीं होने दिया कि आपके मन में क्या चल रहा है, और दूसरे दिन सुबह 3:40 पर आपको खबर आई कि आपने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में। इन 10-11 दिनों में आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। मैंने पहले ही दिन घोषणा की थी कि आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी भाषा से समझ आ सकता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, लेकिन मैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, शॉर्टकट वाले डिसीजन कभी लेता नहीं हूँ। तो सभी लोगों से मैंने चर्चा की, सेना से चर्चा की, सुरक्षा बलों से चर्चा की, अफसरों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद धीरे 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 मैं सोच रहा था कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारी सेना ने पुलवामा करने वाले आतंकवादियों को तो यहीं पर मार गिराया, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम था, लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं था। आतंकवादियों की लालन पालन जहां होता है, आतंकवादियों को जहां से खातर पानी मिलता है, वहां तक अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये सुधरने वाले नहीं है। और 26/11 का अनुभव कहो, पार्लियामेंट अटैक का अनुभव कहो, बाकी घटनाएं देखो, तो लोग मान के चलते थे, पाकिस्तान तो मान के बैठा भी भारत कुछ करने वाला नहीं है, और इसलिए उनकी हिम्मत भी बढ़ती चली जा रही थी। हमें इस बार लगा कि नहीं भाई, हमने जब उरी के बात हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया, इस बार हुआ तो हमें लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता ठीक नहीं होगा, एयर स्ट्राइक का रास्ता ठीक होगा, तो हमने एयर स्ट्राइक का रास्ता किया और बहुत सफलतापूर्वक किया, और मैं मानता हूँ कि सबको हमने जोड़ करके किया है, सबको विश्वास में लेकर के किया है। अगर आप देखें तो आपके कार्यकाल में आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अभी आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की, इसके बाद भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जब चाहता है कश्मीर में अटैक कर देता है, तो इसका लंबे समय में इसका क्या, इससे ज़्यादा कठोर कदम उठाने पड़ेंगे आपको? पहली बात है कि थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। आतंकवादी हमले करते हैं वो घटनाएं तो बहुत कम हो गई है, पुलवामा एक अपवाद है, ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जब उनको पकड़ने के लिए जाते हैं उसमें गोलियां चलती हैं और उसमें आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो इन दिनों जितनी घटनाएं घट रही है हमारे कार्यकाल में उसमें अधिकतम घटनाएं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एंगेजमेंट की घटना है। वो आकर के कहीं मार के चले गए और बच गए, ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज ने बार बार आपसे बालाकोट में एक सबूत मांगा है, कहा है कि कुछ नंबर था 250 लोग मारे गए, तो ये नंबर कहाँ से आया, तो क्या हम कभी सबूत देंगे, क्या आप कभी इस चीज़ को आगे लाएंगे? जब आप एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हो
तब इस प्रकार की भाषा दुश्मन को बल देती है, देश को कंफ्यूज करती है, देश के जवानों को डिमोरलाइज करती है। और इसलिए ऐसे समय देश को एक स्वर से एक ही बात कहनी चाहिए कि हमारे वीर जवानों का गौरव करना चाहिए, उनके पराक्रम का गौरव करना चाहिए। इसके पहले कई युद्ध हुए हैं, क्या कभी किसी ने इस प्रकार की भाषा प्रयोग की है? कभी नहीं की है। कई एक्शन हुए हैं, कभी किसी ने ऐसी भाषा प्रयोग नहीं की है। लेकिन सत्ता के बाहर निकलने के कारण, सत्ता के लिए छटपटाने वाली कांग्रेस के लिए उन्होंने सारी मर्यादाएं खो दी हैं, और उसका कारण है कि इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। जहां तक सबूत का सवाल है, पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान ने क्या कारण था कि सुबह 5 बजे उठ करके ट्वीट किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? हम तो चुप थे, और पाकिस्तान को क्यों कहना पड़ा? वो अपने आप में सबूत है। ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार पहले जाकर के बोली या हमारी सेना के लोग बोले, ऐसा तो नहीं है। मोदी जी, इमरान खान से हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उनके पीछे आर्मी का भी हाथ है, तो इसलिए ये नहीं समझ में आता कि उस देश को चलाता कौन है। और आजकल इमरान खान वॉर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में इस बात का इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत के अंदर पाकिस्तान के किसी भी बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान की जीरो क्रेडिबिलिटी है हमारे देश में, और इसलिए पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से विरोधी दल के लोग पाकिस्तान की हर बात को अपनी बात बनाने लग गए हैं, ये चिंता का विषय है। सवाल यह है, चुनाव तो हिंदुस्तान में बहुत आते हैं भाई, हमारे यहाँ तो हर 6 महीने में चुनाव चलते हैं, तो इसको चुनाव के साथ जोड़ करके कोई बात करता है तो उसे दूसरा गलती क्या हो सकती है? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा चाइना का भी है। अगर हम देखें तो मसूद अजहर के मामले में चाइना ने 10 साल में इस बार चौथी बार फिर वीटो का इस्तेमाल किया, तो ये हम चाइना से कैसे डील करेंगे? एक होता है चाइना के साथ हमारा बायलेटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध हमारे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, भारत का इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है, वहां का इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, भारत के नेता वहां जाते हैं, उनके नेता यहां आते हैं, इस बीच भी सीमा का विवाद है, और सीमा का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। भारत का एक पक्ष है, चाइना का दूसरा पक्ष है, और इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है, भारत ने और चाइना के, कि हमारे बीच डिफरेंसेस है, उसको स्वीकार करके हम चले, लेकिन हम कोशिश करें कि डिफरेंसेस हमारे डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना हो, और ऐसी कोई अगर बात होती है तो हायर लेवल पर इसको एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए, और यह प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनको क्या स्टैंड लेना, क्या स्टैंड नहीं लेना, वे हर देश अपने अपने तरीके से तय करता है। जैसे हम हैं, कई बात ऐसी होती है जिसमें हम पैलेस्टाइन के साथ होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं हम इजराइल के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां हम ईरान के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं हम अरबिक कंट्रीज के साथ होते हैं। तो इसलिए हर देश अपने हित में कुछ ना कुछ रणनीति के तहत सोचता है, और मुझे विश्वास है कि देश समझेगा कि एक जमाना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला रशिया हमारे साथ हुआ करता था, और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है, अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है और पूरी दुनिया भारत के साथ होती है। इस बदलाव को हमने समझना चाहिए, और यही भारत की सफलता है। तो इस वीटो के बाद भी क्या आपकी चाइना से कुछ बात हुई है? आप कह रहे हैं कि आपका डायलॉग उनसे बना हुआ है, बराबर काम साथ में करने का एक फैसला लिया हुआ है, तो क्या इसके बाद भी उनसे कुछ बातें हुई? हर मीटिंग में हर मुद्दों पर चर्चा होती है, उसमें ये भी मुद्दे होते हैं, और ये चर्चा इस बार नहीं, पहले भी आई थी,
देश में एक भाव बन रहा है कि चाइना के संग हमारा बहुत बहुत बड़ा ट्रेड है, तो उसके गुड्स को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स देश में वेलकम नहीं करने चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आज के दुनिया ये बायपोलर नहीं है। इस ग्लोबलाइज्ड एरा में हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और कनेक्टेड भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, WTO जैसे, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, और इसलिए एक सरकार के नाते ऑफिशियल स्टैंड तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे कानून है उसी के अनुसार रहना चाहिए, और वो भारत पालन करता है। जहां तक नागरिकों को क्या चीजें रखा लेनी चाहिए, क्या चीजें उपयोग करनी चाहिए, वो नागरिकों के सूझबूझ पर विश्वास रखता है। नागरिकों को हमने मार्गदर्शन करते रहना चाहिए, आप जैसे मीडिया के लोगों ने मार्गदर्शन करते रहना चाहिए।